क्लास सेवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नाइन, हीट फ्लो एंड टेम्परेचर। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, और किसी भी सब्सटेंस या कंटेनर या ऑब्जेक्ट में हीट का फ्लो कैसे होता है, ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट, टुडे वी हैव स्टार्टेड न्यू टॉपिक, फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस प्रोड्यूस हीट। मतलब आपके पास कोई भी दो सरफेसेस हैं, जब आप उनमें फ्रिक्शन अप्लाई करोगे, मतलब किसी भी दो चीज़ को जब आप एक दूसरे से रब करोगे, एक दूसरे के ऊपर क्या करोगे, मूव करोगे, तो उनमें एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है, एक फर्स्टली तो आपकी वो हीट, फॉर एग्जांपल ले लो, आप यहाँ पे इसका एग्जांपल ले रहे हैं हम, रब योर हैंड, मतलब आप अपने हैंड को जब ऐसे ऐसे रब करते हो तो क्या होता है, आपको पता है कि बहुत कि जो आप जब आप हैंड को रब करते हो तो क्या होता है, एक हीट प्रोड्यूस होती है। तो क्या हो रहा है, ये आपके हैंड की क्या है, सरफेस को आप क्या कर रहे हो, फ्रिक्शन का फ्रिक्शन अप्लाई कर रहे हो, ये आपके दोनों हैंड की जो है आप सरफेस से क्या कर रहे हो, इसको दोनों सरफेस पे आप क्या कर रहे हो, फ्रिक्शन को अप्लाई कर रहे हो, फ्रिक्शन अप्लाइड हो रहा है तो क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो यही इसमें लिखा हुआ है, फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस प्रोड्यूस हीट, मतलब जब आप दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड करवाते हो तो क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका हीट एंड टेम्परेचर। अब हम इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक कंटेनर में वाटर लिया, नीचे आपने इसको क्या किया, वर्म किया। ध्यान से सुनना इसको, आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में आपने क्या लिया है, वाटर। जब आप उस वाटर को क्या करोगे, हीट दोगे, मतलब जब आप उस वाटर को बर्न करोगे तो वाटर क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। वाटर जो है आपका बॉयल होगा, वाटर बॉयल हो गया तो क्या होगा, उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। अब जब इस कंटेनर में हीट प्रोड्यूस होगी तो जो इसके ऊपर जाने वाली वेपर्स हैं या उसके अराउंड, क्या प्रोड्यूस करेगा, वो टेम्परेचर प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसा नहीं है कि हीट और टेम्परेचर दोनों सेम है, सेम नहीं। अगर हम इसको बोलते हैं कि हीट एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड तो हैं, लेकिन जो इनका कॉन्सेप्ट है वो दोनों का डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, हीट का कॉन्सेप्ट अलग है, हीट क्या हो रहा है, आपको बर्न करने पर आ रहा है, लेकिन जो टेम्परेचर है आपका वो बर्न करने पर, और जो जब आपका वाटर बॉयल हुआ, जब उसमें हीट प्रोड्यूस हुई तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक वहां पे प्रोड्यूस हो गया। मतलब टेम्परेचर क्या है, आपके हीट के अराउंड का क्या है, एक प्रेशर है, हीट के अराउंड एक प्रेशर या कोल्डनेस के अबाउट एक टेम्परेचर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक डिग्री होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। आई एग्जाम्पल, हीट एंड टेम्परेचर यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्लास 7। थैंक यू।